हेलो एवरीवन, वेलकम बैक टू माय यूट्यूब चैनल नीनम ब्लॉगर। कैसे हो आप सब? आई होप आप अच्छे होंगे। फ्रेंड्स, तो घर जाने की घड़ी आ चुकी है। जी बिल्कुल सही सुन रहे हो, हम लोग कल चले जाएंगे और आज मैं पैकिंग कर लूँगी। और इतनी जल्दी, मतलब कितनी जल्दी सारे दिन निकल गए और पता भी नहीं चला मुझे। और जब से मैंने सुना है कि मैं कल जाने वाली हूँ ना, मेरा मन मतलब हलचल सी हो रही है, एक अजीब सी। तो अभी मैंने अपना सामान भी पैक नहीं किया है, अभी वो भी पैक करना है और खाना भी बनाना है, क्योंकि अभी गुड़िया स्कूल गई हुई है। और उसके बाद आ गई मैं खाना बनाने के लिए। तो आज खाने में मैं चिकन बना रही हूँ, और गुड़िया अभी कॉलेज से पेपर देके नहीं आई है, आज उसका लास्ट पेपर है। तो बस मैंने खाने की यहाँ पे सारी तैयारियाँ कर ली हैं, और आज चिकन इस खुशी में बन रहा है क्योंकि मैं कल जाने वाली हूँ। तो मेरे भाई ने मुझसे फरमाइश की कि चलो आज आप हमारे लिए चिकन बना दो। तो यहाँ पर मैंने तेल ले लिया है, और मैंने यहाँ पे प्याज का पेस्ट बनाया था, फिर वो मैंने इसमें ऐड कर दिया है। और अब मैं इसको अच्छे से भून लूँगी, और जब तक ये भून रहा है तब तक मैं अपनी टमाटर की कटिंग कर लेती हूँ। और उसके बाद मैंने इस कटोरी के अंदर लहसुन और अदरक और हरी मिर्ची का पेस्ट लिया है, फिर उसके अंदर मैं सारे नॉर्मल मसाले ऐड कर दूँगी। मैं इसमें मिर्ची ले लूँगी, नमक ले लूँगी, गर्म मसाला ले लूँगी, हल्दी ले लूँगी, और इन सबको मैं मिक्स कर दूँगी। और यहाँ पर मेरी प्याज भून के तैयार हो चुकी है, तो मैंने इसके अंदर ऐड कर दिया है टमाटर को, और टमाटर को हम थोड़ा सॉफ्ट होने देंगे। तो फिर उसके बाद इसमें मैंने ऐड कर दिया है वो पेस्ट, अदरक लहसुन और हरी मिर्ची का जो पेस्ट था, उसमें सारे मैंने मसाले ऐड कर दिए थे। इसको अच्छे से हम भून लेंगे। और इसमें मैंने ये थोड़े से काजू लिए थे और गोला लिया था, उसका मैंने पेस्ट बनाया था, और अब ये वाला पेस्ट भी मैं इसमें ऐड कर दूँगी। इसको भून लेंगे। और उसके बाद मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन मसाले को, तो मैंने यहाँ 2 बड़े चम्मच चिकन मसाला लिया है, और MDH का मैंने ये मसाला लिया, और इसको हम अच्छे से भून लेंगे। और यहाँ पर मम्मी चूल्हा जला रही है, और हम दोनों बैठ के यहाँ पर बातें कर रहे हैं। तो जब तक मसाले को भूना है, जब तक ये तेल सेपरेट ना हो जाए। और मेरा मसाला भून के तैयार हो चुका था, तो मैंने इसमें ऐड कर दिया है चिकन को, और अब हम चिकन को 5-10 मिनट भून लेंगे। चिकन को भूनने के बाद मैंने इसमें अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर दिया। आप अपनी फैमिली के अकॉर्डिंग पानी ऐड कर सकते हो। और चिकन बन के हमारे यहाँ तैयार हो चुका है, आप देख सकते हो चिकन का कलर कितना अच्छा आया। और उसमें मैंने धनिया ऐड करके, और मैं उसको लेके आ गई थी। फिर उसके बाद मैंने लगा दिया है सबका खाना। तो हम लोग चिकन के साथ चावल खाना ज़्यादा पसंद करते हैं, रोटी कम खाना पसंद करते हैं। तो यहाँ पर हम सब बैठ के खाना खा रहे हैं। खाना खाने के बाद पापा अपने कमरे में आके लेट गए थे, और मेरा भाई भी। लेकिन पीहू को आज नींद नहीं आ रही, क्योंकि उसे लगता है कि उसको पता चल गया है कि कल वो जाने वाली है, तो इसलिए उसको शायद नींद नहीं आ रही है। तो वो पूरे घर का तो पहले तो चक्कर लगा रही थी और सबको परेशान कर रही थी, वो सब मैंने शूट नहीं कर पाई हूँ। और अब वो पापा के कमरे में आ गई उनको परेशान करने के लिए, और उनके साथ बहुत सारी मस्ती कर रही है और बातें कर रही है। बहुत मुश्किल से उसको मैं मना के लेके आई हूँ, और अब मैं कर लूँगी अपने कपड़ों की पैकिंग। पैकिंग करने के लिए कुछ नहीं है, बहुत सारे कपड़े ना बाहर रखे हुए थे, और कुछ हमारे बैग के ऊपर भी रखे हुए थे, सारे कपड़े इधर उधर हो रहे थे। तो मैंने सोचा कि इन सबको मैं लगा इन्हें सेट कर लूँ, और उसके बाद पहले मैं पीहू का बैग तैयार कर देती हूँ, क्योंकि पीहू के 2 बैग हैं। एक तो मैं उसके डेली वेयर के कपड़े रख के लेके आई थी, और उसके एक में इनर और बनियान और पजामी। तो पहले मैं उसका बैग में कपड़े रख के और उसकी चैन लगा के रख दूँगी। ये कपड़े बिल्कुल सही है, कुछ मैंने कपड़े दिन में लगा दिए थे। तो ये कपड़े का बैग अब पीहू का ही आ गया, इसके अंदर छोटे बड़े सारे कपड़े रखने हैं पीहू के मुझे। और अब आप देख सकते हो कि इसमें मेरे कपड़े बहुत सारे पड़े हुए हैं, तो पहले मैं इन्हें लगा लेती हूँ।
पीहू ने तो कपड़े लगाने भारी कर दिए, बस पूछो मत। कभी इधर को कपड़े लेके जा रही, कभी उधर को। एक थैला मिल गया था, उसी के साथ वो मस्ती करती रही थी। और यहाँ पर वो अपने मामा जी का फ़ोन लेकर आ गई है, और अभी आप देखना ये अपने मामा जी का फ़ोन उन्हें देखती फेंक देगी। ये देखो, फेंक दिया फ़ोन वो बाहर चला गया था वॉशरूम के लिए, तो उसका फ़ोन फेंक के मार दिया। और यहाँ पर आज वो बहुत ज़्यादा मस्ती के मूड में है, पता नहीं क्यों नहीं सो रही है। रात के 11 बज चुके हैं, लेकिन मैडम को नींद ही नहीं आ रही है। हो सकता है कि शायद वो मेरी वजह से जगी हुई हो। अगर आपको मेरा आज का व्लॉग अच्छा लगा होगा तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक और मेरे चैनल को सब्सक्राइब ज़रूर कर दीजिएगा, और अपनी फ्रेंड और फैमिली के साथ मेरी वीडियो को शेयर कर दीजिएगा। गुड नाइट, टेक केयर।